हेलो गाइस एंड वेलकम टू हम भी फूडी चैनल। आज हम भी फूडी और हम आपके होस्ट अमन चित्रांशी आए हैं कौशलपुरी घुमटी नंबर 5 आची मद्रासी डोसा एंड फास्ट फूड। और टेस्ट करेंगे यहाँ पे बहुत ही वैरायटीज ऑफ साउथ इंडियन फूड मिलते हैं। डोसा हो गया, इडली हो गया, उत्तपम लेके चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा हमारा मसाला डोसा और साथ में हम लोग इडली भी टेस्ट करेंगे। तो हमने आपको लोकेशन बता दी है, ये कौशलपुरी है घुमटी नंबर 5। तो आप आराम से बैठ के, अंदर भी डाइनिंग एरिया है और आप अपनी कार से आइए, आराम से बैठ के कार में बैठ के खाइए या ओपन है यहाँ पे बाहर, आप वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं। स्विगी जोमेटो नहीं है आंची मद्रासी डोसा पे, तो आपको यहाँ पे आके टेस्ट करके, यहाँ पे गरम गरम टेस्ट करेंगे आप तो काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे हम लोग भी आए आज, हम लोग ने टेस्ट करेंगे तो लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो लेट्स गो। और ये रेडी हो रहा है हमारा मसाला डोसा। और ये लग गया इसमें आलू। और ये किस किस चीज़ का पेस्ट है इसमें? आलू का भैया। और इसमें क्या क्या ऐड करा है आपने आलू में? मसाला में 2 दिन डालते हैं, उसमें किसको पता नहीं है। अच्छा अच्छा वो मसाला की रेसिपी बताते नहीं है। तो आप आके टेस्ट करिए और आप ट्राई करिए यहाँ पे ये मसाला डोसा। और आप बताइए कि आपको कौन कौन से मसालों का टेस्ट आ रहा है, अभी हम भी आपको टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन ऐसा भैया की तरफ से हमको बताया नहीं कि। और ये रेडी हो रहा है, थोड़ा सा अनियन, धनिया, टमाटर। तो रेडी हो रहा है हमारा डोसा, तो अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा इसको। 2 सेकंड, 2-3 सेकंड में रेडी। और ये साइड में किसी और का भी रेडी हो रहा है। ये कौन सा बना रहे हैं आप? ये भी मसाला है। तो मसाला आपका फेमस है यहाँ पे। चलिए तो हम भी वही टेस्ट करेंगे। और क्या और ये इसमें भी आलू का पेस्ट, क्योंकि ये भी एकदम सेम हम आप सेम है एकदम। ये भी मसाला है, ये भी मसाला हम लोग का रेडी हो रहा है। टेस्ट अभी हम करेंगे। और क्या क्या आपके यहाँ पे है, आप और क्या क्या सर्व करते हैं साउथ इंडियन में? साउथ इंडियन में उसमें लिखा बहुत है, पनीर डोसा, मक्खन डोसा, बटर पनीर, बटर अच्छा, मसाला, बटर मसाला और सांभर वड़ा, इडली, सब तो सारा साउथ इंडियन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये रेडी है हमारा। क्या क्या चीज़ आप देते हैं इसके साथ, क्या क्या सर्व करते हैं? नारियल वाला चटनी। अच्छा, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी, सांबर। तो अभी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। और अब हम लोग ये इडली भी टेस्ट करेंगे। तो हाँ, इसको सांभर में डिप करेंगे। कितनी देर तक ये डिप कर रहेंगे? हो गया, तो रेडी हो गया। अच्छा,
तो अब हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे इडली भी है और आप काफ़ी वैरायटीज हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे बना है हमारा ये मसाला डोसा, और जो भैया ने बताया कि इसमें कोई सीक्रेट मसाले हैं, तो हम उसे टेस्ट करके बताएंगे आपको क्या वो मसाले हैं। और पहचान तो हम पाएंगे नहीं, क्योंकि सीक्रेट मसाले कौन पहचाना है आज तक। ये हम दिखाते हैं आपको, पहले एक मिनट हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। इसमें आलू है, थोड़ा सा प्याज, ये देखिए आप, थोड़ा सा देखो वरना मेरा डोसा ख़राब हो जाएगा। बस अब हम टेस्ट करते हैं। और इसके साथ ये मिला है सांभर, काफ़ी गरम है, और ये इसके साथ टमाटर की चटनी है, साथ में ये देखिए इडली भी है। अभी हम वो भी टेस्ट करेंगे, और पहले हम डोसा टेस्ट करते हैं। और ये रहा नारियल की चटनी है ये, तो सब एक एक करके हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सांभर टेस्ट करते हैं, जो कि मेन है सांभर डोसा। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया, और ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला सांभर है, एकदम नॉर्मल। तो सांभर टेस्ट हो गया है, सांभर का जैसे हमने बताया काफ़ी बढ़िया सांभर है। और अब हम इनकी टेस्ट करेंगे चटनियाँ दोनों। ये सबसे पहले नारियल की है, ये हम आपको दिखाते हैं इधर कि ये काफ़ी एकदम बढ़िया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, नारियल नारियल, और ये रही, तो टेस्ट भी बताते हैं हम आपको। काफ़ी तीखी, हल्की सी तीखी भी है और नॉर्मल है, मुंह में जाते ही पहले आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन अब वो थोड़ा सा मिर्ची का टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, तो काफ़ी बढ़िया है। इसको हम डोसे के साथ भी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट। नारियल की चटनी टेस्ट करने के बाद अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, ये टमाटर की चटनी है, तो दिखाते हैं इधर, काफ़ी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी चटनी है, और पूरा अच्छे से टमाटर ग्राइंड हो गया है। और अब हम टेस्ट करके बताते हैं हम आपको, इसमें आप देखेंगे टमाटर के छिलके बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब टमाटर को पूरा अच्छे से बॉईल करके उसके छिलके उतार के उसे काफ़ी अच्छे से पीस के ये चटनी बनाई गई है। तो अब हम इसका टेस्ट भी आपको बता देते हैं। टमाटर का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है, प्लस इसमें थोड़ा सा मीठा मीठा भी टेस्ट आ रहा है मेरे को, तो ये चटनी मुझे सही लगी, अच्छी लगी, बढ़िया है। हमारा डोसा अब रेडी है, तो ये डोसा अब हम टेस्ट करके बताएंगे आपको सांभर के साथ। तो हम लेते हैं इसमें थोड़ा सा, तो ये अब हम इसे सांभर के साथ टेस्ट करेंगे। थोड़ी सी इसमें ये नारियल की चटनी लगाते हैं, और ये हमारी बाइट रेडी है, अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं आपको। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से कोई मसाले पड़े हुए हैं, वो नॉर्मल मसाले हैं जो टेस्ट आ रहा है मेरे को। आलू में वही नॉर्मल जो डेली यूज वाले वही गरम मसाला होगा, इसमें मिर्ची होगी, तो नॉर्मल टेस्ट है मसाला डोसा, क्योंकि नाम मसाला डोसा है तो इसलिए कहा कि कोई अलग मसाले होंगे, लेकिन बढ़िया टेस्ट आ रहा है मेरे को आलू का। अंदर ये जो फिलिंग करी गई है, एक बार हम इसको टमाटर की चटनी के साथ टेस्ट करके बताते हैं। बढ़िया टेस्ट है, बीच बीच में सांभर टेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि डोसे के साथ सांभर बोले तो इन दोनों का रिलेशन बहुत दिनों से है, बहुत टाइम से इनका रिलेशन चलता हुआ आ रहा है, तो इन दोनों को साथ में ही टेस्ट करना चाहिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा मिडिल से टेस्ट करते हैं, जहाँ पे फिलिंग काफ़ी अच्छे से है,
वैसे फिलिंग पूरे में है, लेकिन मेरे को जो डोसे का मिडिल वाला ये पोर्शन होता है ये इधर का साइड का मेरे को नहीं पसंद है, और मेरे को मिडिल पोर्शन बहुत पसंद है। इसमें काफ़ी सारा माल आ जाता है, बोले तो फिलिंग आ जाती है। तो ये रही, देखिए काफ़ी सारा आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, और ये रेडी है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ सांभर के साथ टेस्ट करके बताएंगे। ये आंची मद्रासी डोसा, और ये इडली, इडली भी हमारी वेट कर रही है, लाइन में है, वेटिंग लिस्ट में। टेस्ट होके बताएंगे हम आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो ये हमारा डोसा का कौर रेडी है, अब हम टेस्ट करते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो हमारा ये डोसा काफ़ी अच्छे से छिका हुआ है, ये देखिए काफ़ी कुरकुरा है, तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं सांभर के साथ। भैया डोसा बहुत टेस्ट हो गया। तो ये डोसा हमारा टेस्ट हो गया है, तो अब हम इसे अपने क्रू मेंबर्स को दे देते हैं, वो टेस्ट कर रहे थे। मेरे को अब इडली टेस्ट करनी है, तो ये क्रू मेंबर्स के लिए जा रहा है, ले जाओ। तो अब ये आ गई हमारी इडली, अब हम इडली टेस्ट करके बताते हैं, ये दिखाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डोसा हो चाहे इडली हो। और जब हम आपको प्राइस बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी इडली और वो भी इतने कम प्राइस में। ये दो इडली हैं और ये 40 रुपीज़ की हैं, और आप साइज़ देख लीजिए, ये आपको कानपुर में बोले तो कहीं भी नहीं मिलेगी इतना बड़ा साइज। मैंने अभी तक काफ़ी जगह टेस्ट करा है और मेरे को ये इडली इतनी बड़े साइज़ में कहीं भी नहीं मिली है। तो क्या खाली साइज़ ही बड़ा है कि टेस्ट भी उतना बढ़िया है? तो चलिए हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो हम बता देते हैं आपको, इसमें ये सांभर दिया हुआ है और दो इडलियां हैं, 40 रुपीज़ है ये पूरा बाउल, और इसके साथ इसमें टमाटर की चटनी नहीं दी है। ये टेस्ट खाली आपको इडली और इसमें ये जो नारियल की चटनी है वो मिलेगी, टमाटर की चटनी नहीं है। टेस्ट है सबका अपना अपना अलग अलग, तो अब हम इसको भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये जो इडली है हमारी थोड़ी देर तक सांभर में डूबी रहती है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको पहले ही से बनाया जाता है। तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। बढ़िया टेस्ट है, देखिए खाना इतना लीजिए कि वो वेस्ट ना हो, पूरा आप फिनिश करिए उसे, डोंट वेस्ट फूड। तो अब हम इसका टेस्ट बताते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, इसे आप अकेले नहीं टेस्ट कर सकते, पूरा इसे अकेले नहीं फिनिश कर सकते हैं, इसे आप दो लोग आराम से इसे बैठ के खाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है और इडली का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा। मेरे को टेस्ट अच्छा लगा इसका इडली का। सॉफ्ट सांभर का टेस्ट हमने आपको बता दिया था, काफ़ी अच्छा टेस्ट में काफ़ी अच्छा है सांभर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, ये जो आज मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है ये मैंने RD क्रिएशन से ली थी, तो प्लीज़ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप भी बाय करिए RD क्रिएशन से, तो काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी। आप ये देख रहे हैं फैब्रिक बहुत अच्छा है, मेरे को मैं पहना हुआ हूँ आज, काफ़ी बढ़िया फैब्रिक में। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने लिंक दे दी है, गो एंड फॉलो अस हम भी फूडी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।